हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए भाई, ठीक है। आज हम लोग जो है मैग्नेटिज्म का सेकंड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ मैग्नेट, तो डिफरेंट चीज़ें पढ़ा हमने। और पढ़ा मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मैग्नेट, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटो स्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इतना हो चुका है। आज हम पहले पढ़ेंगे डायपोल। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डायपोल, ये क्या होता है। उसके बाद फिर क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, सेम वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू डायपोल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, टॉर्क हो गया, सारी चीज़ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेम ऐसे। बस वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ सारा हो जाएगा मैग्नेटिक। इसे चैप्टर काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है, बस इंजॉय इट, ओके। तो देखिए, इन केस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल वहाँ क्या था, एज यू नो अ मैग्नेट ऑलवेज लाइक इज डायपोल, बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नेट टू पोल ऑलवेज एग्जिस्ट, सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट। एज यू नो ना, हम जानते हैं कि सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें क्या हो गया कि जो मैग्नेट होगा उसमें हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और अगर उसमें दो पोल हो गया तो जो आपका क्या होगा, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट इज ए लाइक एज डायपोल, ओके ना। अब डायपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल आर क्या हो गया, आर सिचुएटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन सच टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज डायपोल। वहां तक क्या, वहां टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ टू इक्वल एंड अपोजिट क्या हो गया, पोल्स। अब देखोगे तो मैग्नेट वाले बहुत बड़ा मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, डायपोल के बहुत लंबा हो जाए, डायपोल छोटा होता ना। चलिए वो लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पहला आज होगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल, ओके भाई, मैग्नेटिक डायपोल। पहले इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, पहले इसको करेंगे हम, पहले क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल, फिर डिफाइन करेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लिखिए एन अरेंजमेंट ऑफ, क्या हो गया, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड बाई होल्स, आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड, क्या हो गया, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, एंड क्या हो जाएगा, एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, लाइक एज और बिहेव एज, ठीक, बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल, बिहेव एज मैग्नेटिक, क्लियर हुआ, क्या होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ओके, क्लियर। क्या होगा, ये सिंपल कोई डायपोल की देखो क्या है, मैग्नेट हो गया। अब देखिए तो मैग्नेट ही नहीं डायपोल, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ देखो नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल हो जाएगा, क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ पोल, यहाँ क्या हो गया, ये डायपोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ निकलेगी जाएगी साउथ में, साउथ जाएगा क्या ना नॉर्थ में मिलेगी, आगे लिखवाया जाएगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आएगी डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, दिस डायपोल। देखिए
आप जानते हैं क्या, जैसे मैंने करंट करिंग कंडक्टर है, दिस आल्सो प्रोड्यूस क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ क्या हो गया, अंदर जा रही फील्ड यहाँ बाहर आ रही है, बाहर आने क्या हो गया, नॉर्थ पोल, अंदर में क्या हो गया, साउथ पोल। या कोई लूप देखो, कोई क्या लूप है, अगर लूप है करंट फ्लो है इसमें एंटी क्लॉक वाइज ना, ऊपर क्या नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, देखो कोई लूप है, कौन सा लूप, करंट करेंगे लूप, दिस करंट करेंगे लूप बिहेव एज ए मैग्नेट, वाई बिकॉज व्हेन करंट फ्लो इन द करंट करेंगे लूप देन वन सर्फेस लाइक एज नॉर्थ पोल, अदर सर्फेस लाइक एज क्या हो गया, अदर प्लेन, और सर्फेस लाइक एज साउथ पोल। क्योंकि क्या, अगर हमारे जैसे मालिक करंट कैसे फ्लो हो रही है इसमें, अगर लूप में करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉक वाइज तो मैग्नेटिक लाइन ऊपर निकलेंगी ना, नॉर्थ पोल हो गया, अगर नॉर्थ पोल हो गया फिर लाइन जा रही, फिर जा कहाँ जाएगी, जाके फिर जाएगी नीचे जाएगी साउथ पोल पे, तो दिस लूप बिहेव एज ए मैग्नेट, अर्थात क्या हो गया, इसमें स्वाट, इसमें दिस लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखिए कि नहीं, डाइपोल में हमारा केवल मैग्नेट नहीं है, जो भी चीजें जिसका भी बिहेवियर एज ए मैग्नेट होगा तो वहां दो पोल हो जाएगा, और वहां क्या हो गया, वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्लियर हुआ। चलिए फिनिश क्या हो गया, दूसरी क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल हो गया। एग्जाम्पल क्या, जैसे क्या है एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, जितने आपके मैग्नेट्स हैं आर टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है, क्या हो गया, चाहे बार मैग्नेट है चाहे ना, क्या हो गया, हो गया आर टाइप्स ऑफ क्या हो गया मैग्नेट, क्लियर हुआ। मतलब बार मैग्नेट हो गया, सुन हार सु मैग्नेट हो गया, कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या हो गया दैट इज क्या हो गया, हो गया बार मैग्नेट, क्लियर भाई, बार मैग्नेट हो गया, ठीक। फिर क्या हो गया, एक होता है स्फेरिकल मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट होता है, या क्या हो गया हार सु मैग्नेट हो गया, सु मैग्नेट ना, हार सु मैग्नेट, हार सु मैग्नेट हो गया, ठीक। और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और क्या हो गया, जैसे भी क्या होता है कि करंट कैरिंग, करंट कैरिंग क्या हो गया भाई, लूप, ये सारे क्या है, ये सब क्या हमारे हैं, ये सब के सब मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे, ये जानना जरूरी है। ओके ठीक है, मिटाएं इसको, इसमें क्लियर, ओके नोट डाउन। नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या आएगा नेक्स्ट हमारा आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है भाई, सेम जैसे वहां क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या था याद है, वहां क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज थे ना, तो आइदर चार्ज इंटू क्या था, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, याद आया, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या हो जाए, देखिए अगर मान लिया, क्या लिया हमने, जैसे मान लिया कोई लिया मैग्नेट लिया, मान लो क्या है जिस बार मैग्नेट हो गया, क्लियर हुआ, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल हो गया, याद आ रहा है नॉर्थ पोल, ये सावधान दीजिए, हमने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में क्या था, कि जो हमारे फेस हैं, हमारा पोल जो है बिल्कुल फेस नहीं होता, फेस थोड़ा अंदर होता है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम इस पे नहीं थी फेस पे, जैसे मान लो मैग्नेट हमारा है, इस मैग्नेट के फेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम नहीं होती, थोड़ा अंदर होती है, अच्छा थोड़ा यहाँ क्या अंदर होगी, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तो एन टू एस जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, स्मॉल एल मान लो, और दोनों फेस की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अगर मान लो क्या है मैग्नेटिक लेंथ कितना है स्मॉल एल है, ज्योमेट्रिक कितना है कैपिटल है, वैल्यू कितनी आई थी कल बताया था, बोला कितना था अप्रोक्सीमेट 0.84 आता, दोनों का रेशियो आता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ हो गया, और यहाँ पर कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मीन्स व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द नॉर्थ पोल और क्या साउथ पोल, क्योंकि जो मैग्नेट है जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा क्या, उतने ज्यादा आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल को उतने ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सपोज दैट वेरी स्ट्रांग मैग्नेट, तो क्या हो गया मैग्नेटिक लेंथ, क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या बोलते हैं कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है कितना कम है उसे क्या बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, माने क्या हो गया यहाँ जितने एम सी पोल स्ट्रेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्लियर हुआ, एम क्या भाई है यहाँ जो हमारा एम हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना,
ठीक है। सेम लाइक जैसे क्या वहां का प्लस चार्ज था, वहां प्लस चार्ज धीरे कैसे रहेगा आपका नॉर्थ का, नॉर्थ पोल का, वहां नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस चार्ज माइनस चार्ज, वहां तो प्लस सेम से होगा, कोई नया नहीं है। अब चूंकि आप पढ़ सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर और साउथ से अंदर नॉर्थ जाती है ना, यही डायरेक्शन आप मैग्नेटिक डायपोल कहा हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ होता है, क्लियर हुआ। सेम हाउ वी डिफाइन, क्या हो गया इट इज डिफाइंड एज, क्या हो गया इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द, क्या हो गया भाई द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, आइदर पोल ऑफ मैग्नेट, आइदर पोल ऑफ मैग्नेट एंड सेपरेशन बिटवीन, एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट, पोल ऑफ क्या हो गया मैग्नेट इज नोन एज, क्या हो जाएगा इज नोन एज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना डाइपोल मोमेंट, क्या हो जाएगी आपके यहाँ क्या है आइदर पोल ऑफ, क्या हो गया यहाँ मैग्नेटिक, क्या प्रोडक्ट ऑफ, हमें चाहिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, देखो यहाँ प्लस एम है यहाँ माइनस एम है, क्या चाहिए हमको इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए ओनली वी नीड हेयर ओनली मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए हमको यहाँ, क्या चाहिए हमको यहाँ चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए भाई क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल ऑफ मैग्नेट एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ पोल, और क्या होता है इट इज डिनोटेड बाई, क्या हो गया बाई कैपिटल एम, ठीक है ना, देयरफोर फॉर्मूला क्या बन जाएगा देयरफोर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ, क्या हो गया सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट भाई, क्या हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, देखिए इसकी दूरी क्या मानते हैं इसकी डिस्टेंस यहाँ मानते हैं 2L, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन में आसानी बात है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू कितना हो गया 2L, अगेन दिस क्या वेक्टर क्वांटिटी, या कितना हो गया कैपिटल M इक्वल टू आ जाएगा 2ml, ध्यान रखिए 2L क्या है दोनों पोल की क्या दोनों पोल के बीच का सेपरेशन है, अर्थात क्या है मैग्नेटिक लेंथ है, ध्यान रखिए अगर कहीं दिया है मैग्नेटिक लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर, 12 कितना हो गया हमारा 2L हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ ठीक है ओके। इसकी यूनिट क्या होगी इट्स यूनिट, यूनिट क्या होगी भाई ये होता है कितना ये होता है एम्पियर, एम्पियर मीटर, आगे आगे बताया जाएगा कैसे निकला है बहुत आसान है अभी याद कर लीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, एम्पियर क्या आ गया एल स्क्वायर कितना हो गया एल स्क्वायर इंटू क्या ए आ जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा ना एल पावर टू ए आ जाएगा, और फ्रैक्शन क्या होती है क्योंकि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना वेक्टर क्वांटिटी, एंड क्या हो गया एंड इट्स डायरेक्शन क्या हो गया इट्स डायरेक्शन इज कितना हो जाएगा ये हो गया साउथ पोल इज फ्रॉम, क्या हो जाएगा इज डायरेक्शन फ्रॉम, क्या होता है भाई फ्रॉम साउथ पोल टू, साउथ पोल टू, क्या हो गया भाई
नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हो गया, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन लिखो भाई, न्यूमेरिकल लिखो फट से। क्वेश्चन वहां क्या होगा भाई, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेटिक कैपिटल एल एंड आइदर पोल स्ट्रेंथ ऑफ द सेम मैग्नेटिक स्मॉल एम, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। इट इज इंटरसेक्ट एज यूर फिगर एंड एंड क्या हो गया, एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मैग्नेट इज कैपिटल एम। क्लियर हुआ, इज कैपिटल एम। चलिए सोल्यूशन का निकाली फटाफट। सोल्यूशन देखो भाई, ये फिगर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये फिगर क्या है, सेकंड हो गया, ये फिगर थर्ड हो गया। यहाँ क्या है, क्या दिया है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया ना, डाइपोल मोमेंट दिया ना ऑफ गिवन मैग्नेट पहला का क्या है, इक्वल टू कैपिटल एम। देयरफोर कैपिटल कितना हो जाएगा, स्मॉल एम टू एल ना, नंबर वन। क्लियर हुआ, तो भाई इसका कितना क्या है, इसका पोलिशन कितना है, पोलिशन कितना है इसका, स्मॉल एम है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी कैपिटल कहां से, ये हमारी की लेंथ होगी, ठीक है ना। क्लियर भाई, समझ आया। जब ये दोबारा काट दिया जाएगा नंबर वन, ठीक है। व्हेन नंबर वन क्या, व्हेन मैग्नेट इंटरसेक्ट क्या हो गया, इंटरसेक्ट अलोंग एबी, अलोंग एबी। अब क्या बन जाएगा भाई, देखो हमारा मैग्नेट क्या बन गया, हमारा अभी मैग्नेट आ गया, यही बच्चा मैग्नेट ना, ये मैग्नेट बच्चा, ये हमारा क्या एबी हो गया। क्लियर हुआ, एबी हो गया। अब देखो इसमें क्या, यहाँ पोल स्ट्रेंथ जब क्या हुआ, आधी निकल गई ना, कितना बचा यहाँ पे, एम बाई टू बचा। लेंथ क्या है, सेम है ना, लेंथ क्या भाई, सेम है, ये भी अभी तो ना। क्लियर हुआ, कितना आएगा, देयरफोर यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया, देयरफोर यहाँ गया एम डैश, कितना आया एम डैश, कितना भाई है, पोल स्ट्रेंथ क्या फॉर्मूला है, पोल स्ट्रेंथ एम बाई टू इंटू लेंथ एल, कितना हो जाएगा, जो कितना हो गया, अभी कितना भाई आ जाएगा, हाँ कितना हमारा आ गया, ये जो हो जाएगा एम डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल में ना, एम डैश इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपॉन टू, ठीक है ना, स्मॉल एम भाई इक्वल टू कितना हो गया, एम डैश इक्वल टू हो गया एम बाई टू, अर्थात पहले के पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया, ये हो गया पहले के पोल स्ट्रेंथ का कितना हो गया, ये हो गया हमारा हाफ हो गया, समझ में क्लियर हुआ। फर्स्ट फिगर नोट कर लिया, जल्दी करिए, नहीं तो वीडियो पॉज करिए फिर नोट करिए भाई। सेकंड क्या हो गया, व्हेन मैग्नेट इंटरसेक्ट अलोंग सीडी। अब देखिए भाई कितना पोर्शन बचा हमारा, अब हमारा इतना पोर्शन बचा, बस आधा बचा ना, दिस में क्या चेंज हो रहा है, क्या जैसे सीडी, तो क्या हो गया सीडी हो गया, तो मारा ना क्या हो गया सीडी हो गया, देखो ये क्या हो गया सी हो गया, ये हो गया टी हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ हमारा एम है, अब क्या हो गया, यहाँ आपका एल बाई टू हो गया ना, लेंथ कितनी हो गई हमारी, एल बाई टू हो गई, देयरफोर क्या जाएगा न्यू मैग्नेट माने क्या, डायपोल एम डैश कितना आया, डायपोल मोमेंट हो जाएगा स्मॉल एम इनटू हो गया एल बाई टू, कितना हो गया स्मॉल एम एल अपॉन टू, या कितना भाई आ गया, ये आ गया कैपिटल एम डैश, हो गया कैपिटल एम बाई टू आ गया, समझ में आया। इस प्रकार से डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, किसका हो गया, दिस हो गया फॉर फिगर सेकंड के लिए, मैं न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। छोटे क्वेश्चन दे दिया थे बोर्ड वगैरह में, ठीक है, बहुत लंबे नहीं दिया थे, या कंपटीशन में छोटा दे दिया, यही दे दिया क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, इसे क्या, जिससे कितना आपको समझ में आ रहा है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक भाई, आया समझ में, ओके। नेक्स्ट लिखिए अगला, देखो थर्ड आते थर्ड पे, थर्ड क्या रहेगा, थर्ड देते हैं डैश को, ओके थर्ड लिखिए भाई, थर्ड में नंबर थर्ड लेते हैं,
तो क्या है थर्ड में जो मैंने फिगर थ्री आ जाए ना, कैसे कट किया जा रहा है एलॉन्ग ए बी सी डी ना, एलॉन्ग क्या हो गया दोनों काट दो भाई, थर्ड थर्ड हो गया वेन मैग्नेट इंटरसेक्ट एलॉन्ग ए बी एंड क्या हो गया एंड हो गया सी डी, तब क्या हो जाएगा कितना पोर्शन बचा भाई देखो ध्यान से कितना पोर्शन बच रहा है सही ना, कितना बच रहा है एक कटिहांस हो गया, एक कटिहांस हो गया क्या बचा देखो यहां कहीं डायमेंट यहां डायमेंट कितना हो जाएगा एम बाई टू, कितना हो गया डायमेंट यहां पे हो गया एम बाई टू हो गया, लेंथ कितनी हो गई ये भी एल बाई टू हो गई तो यहां क्या बचेगा एम लेंथ कितना आया एम बाई टू आएगा ना, था कितना आ गया से अब आ गया हमारा एम एल बाई फोर आ जाएगा, था कितना एम डैश आया एम डैश आया कैपिटल एम बाई फोर, समझ में आ गया क्लियर हुआ दिमाग क्या हो गया दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्लियर ओके नोट डाउन, तो इसका क्या है ये आपका निकल गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ठीक है ओके उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक भाई।